कहाँ पे जा रहे हैं रंजीत भाई? अपन अंता कालीसिंध के पास, कालीसिंध में हाँ। कालीसिंध नदी है, नदी के ऊपर नार, फिर नार के ऊपर है पुलिया, रास्ता निकलने वाला ऐसा पुलिया। शंकर भगवान का मंदिर है टोप गाँव पे, पूरा जंगल बना हुआ है। मतलब ये काकड़ी क्या भाव है? ये 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। और अमरूद ये एक ही पाउच है। और सलाद? सलाद भी वही दे, 50 रुपए का बन जाएगा। आओ ठीक है, एक बना दो। आप कहाँ भाग रहे हो? देख लो कितनी ईमानदारी है। मैं बताऊँ, किसी का खाते है ना, तू पर वाला दोबारा भेजेगा अपने को बकरी बना के, तो वो खटी को बेचेंगे, हमारे को काट काट के बकरी खाएंगे। अच्छा। तो चुकाना पड़ेगा कर्ज तो। बड़ी ईमानदारी है। कर्ज किसी का नहीं रखती हूँ, चाहे भूखा मर लूं। एक तो चोरी, अन्याय, एक झूठ, इनसे मेरे को बहुत नफरत है, बहुत ही ज्यादा नफरत। बोले मेरे को आप कपड़ा फटे दे दो, मैं वही पहन लूंगी। खाने के लिए आप 4 दिन में दे दो खाना, बासी कूसी वो खा लूंगी। लेकिन एक तो बेईमानी, एक झूठ और एक अन्याय चोरी, ये मेरे से नहीं होती। मेरे को बहुत साल हो गया, मेरा देवर जेठ बहुत बड़ा बड़ा मकान हो गया, लेकिन मेरे अभी भी ये रह की टपरी है, बरसाती पड़ी हुई ये टपरी मेरे। पर रात को नींद अच्छी आती है क्योंकि काम ईमानदारी का करते हो? नींद भी अच्छी आती है, कभी मैं गोली भी नहीं खाती हूँ। कभी भी बीमार हो जाऊँ ऊपर वाला से लड़ती हूँ, मैंने तेरा क्या किया, चोरी नहीं की है मैंने, अन्याय नहीं की है। अगला जन्म किया हो तो उसकी माफी कर दो। हाँ। सजा पूरी कर दो, लेकिन मेरे को सजा मत दो, या उठा लो या बढ़िया कर दो, मैं गोली दवाई नहीं खाऊं तो नहीं खाती हूँ। अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छे। देख लो गोली दवाई ना खाओ। अभी 10-15 दिन के अंदर तो सबकी फसल कट जाएगी मेरे ख्याल से, पूरे खेत सुनसान हो जाएंगे। तो 15 तारीख बस ये अभी सुनहरे है सारे खेत। अभी तो कालीसिंध में भी पानी कम है, उधर रेलवे ब्रिज है। अच्छा हाँ, वो ब्रिज है, वहाँ जाना है क्या अपने को? ये सामने एक नदी है बहुत कमाल की, और ये जितनी भी ये चट्टाने हैं काफ़ी सारी, जो यहाँ पर कातलों में, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जो पत्थर यूज़ होता है, ये सारा वही पत्थर है। और इसके सामने पुलिया है। और इस जगह की खूबसूरती, इस जगह की खासियत ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये पूरा राजस्थानी स्टाइल में हुआ है। पर ये खाली एक ब्रिज नहीं है, इसके ऊपर कोई हाईवे या रोड नहीं है, इसके ऊपर पूरी एक नदी है। तो नदी के नीचे नदी है और नदी के सामने एक दूसरी पुलिया है, ये वाली जगह तो बहुत कमाल की है, बहुत ही खूबसूरत है। आज यहीं पे खाना बन रहा है और खाने के लिए अभी बहुत सारी ये लकड़ियां आ गई है, तो खाना बनेगा। सामने एक मंदिर है, ये देखेंगे, शिव जी का मंदिर है। और अक्सर जो शिव जी का मंदिर होता है ऐसे ही स्थानों पे मिलता है, ऐसे दुर्गम और खूबसूरत स्थानों के ऊपर। अभी 1 घंटा लग के इतना सामान लेके आए पर माचिस भूला है। हाँ जी भाई साहब, इतना सामान। खाना बनाने की तैयारी तो रंजीत भाई ने चालू कर दी है, अभी वो आटा गूंद रहे हैं। और भैया मैं नाम ही भूल जाता हूँ। हाँ छोटू भैया, ये क्या कर रहे हो? पत्थर से मतलब वो नहीं आए, हवा नहीं आए? अपने से पहले वालों ने भी ये दिमाग लगाया लगता है। तो नॉनवेज के अंदर इसी नदी से पकड़ी हुई काली सिंध की मछली बन रही है, और वेज में थोड़ी सी दाल बन रही है, पनीर है। बाकी जिनको मछली पसंद है, सामने से मछली पकड़ी, यहाँ पर आए, फ्रेश फिश बनाई है,
और साथ में बाटी के साथ में थोड़ी तरी वाली है, पर कमाल की बना रहे हैं वो लोग। रंजीत भाई, यही वो ब्रिज है जिसके बाद में कोटा खत्म हो जाता है? ये आखिरी कोटा की सरहद है, ये लिखा है यहाँ पे ऊपर, कोटा जिला सीमा समाप्त, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अच्छा, चूल्हा जला रहे हो? क्या भाटिया भी चढ़ा दी? बिल्कुल तैयार है सब। सब्जी तैयार है, भाटी चढ़ा दी है, लगभग 15-20 मिनट में तो भाटी भी आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। यहाँ पर तो यहाँ तो चरवाहे नजर आते हैं, यहाँ पर आप जैसे कोई दो चार आसपास के लोकल होते हैं ना, जो बोलिए हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए। चलो तो ये छोटी सी सुंदर सी पिकनिक थी हमारे खेत के पास में ही। मुझे नहीं पता था इतनी सुंदर जगह है। जितने भी कोटा वाले लोग हैं उन्हें अगर यहाँ पर आना है तो ये पलायता के पास में है काली सिंध नदी। ऐसी जगह हमें इतना कुछ देती है ना, इतने खुशी के मोमेंट्स देती है, अपने खुद के साथ में टाइम देती है, और ऐसी जगहों पर जाकर मज़ा आ जाता है। तो इन जगहों को हमें भी कुछ देना चाहिए, और वो यही है कि उस जगह को वैसी ही छोड़ाइए जैसी वो थी जब आप वहाँ पर गए थे। उसे गंदा करके मत आइए, वहाँ पर साबुन लगा के मत नहाइए, प्लास्टिक मत छोड़ के आइए, और यही आपका कंट्रीब्यूशन होगा नेचर के लिए और उस जगह के लिए। तेरे लिए जिंदा गानी है मीरू देवी, आराम मेरे तो रे राधे।